मेरा नाम डॉक्टर संघमित्रा दास है। मैं आज आप लोगों को सामान्य विकार के भेद और नानात्मक विकार के भेद के बारे में बताना चाहती हूँ। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 19 चैप्टर अष्टोदरी अध्याय में सामान्य विकार के भेद के बारे में बताया गया और सूत्र स्थान के 28 चैप्टर महारोगाध्याय में नानात्मक विकार के बारे में बताया गया है। सामान्य विकार का अर्थ है जिस रोग उत्पन्न करने में तीनों दोष का मिलित सहायता रहती है। नानात्मज का अर्थ होता है नौ आत्मज, इसका अर्थ है केवल वातज, केवल पित्तज और केवल कफज विकार। तो नानात्मज विकार के भेद में बताया गया कि वात नानात्मज विकार का संख्या होता है 80, पित्त नानात्मज रोग का संख्या होता है 80 का आधा 40, श्लेष्म नानात्मज रोग का संख्या होता है 40 का आधा 20, रक्त नानात्मज विकार के बारे में सारंगधर ने बताए हैं जो कि 20 का आधा 10 है। उसके नेक्स्ट हम चलेंगे सामान्य विकार में। टोटल 48 सामान्य विकार के भेद के बारे में बताया गया है। उनमें से एकविध, त्रिविध, सप्तविध और विंशति भेद वाले रोगों का संख्या 3, 3, 3 और 3 होता है। द्विविध, चतुर्विध, पंचविध भेद वाले रोगों का संख्या रेस्पेक्टिवली 8, 10 और 12 होता है। षड्विध भेद वाले रोगों का संख्या 2 है, एक है उदावर्त, दूसरा है अतिसार। अष्टविध भेद वाले रोगों का संख्या 4 होता है। उसके नेक्स्ट हम याद रखेंगे एकविध भेद वाले रोग जो कि संख्या में 3 हुआ, हम याद रखेंगे यूएसए, यू से उरुस्तंभ, एस से संन्यास, ए से अतत्वाभिनिवेश। त्रिविध भेद वाले रोगों का संख्या 3 होता है जो कि हम याद रखेंगे आरएसएस, आर से रक्तपित्त, एस से शोथ, एस से स्वित्र। सप्तविध भेद वाले रोगों का संख्या 3 होता है जो कि हम याद रखेंगे केपीवी, के से कुष्ठ, पी से प्रमेह पीड़का, वी से विसर्प। विंशति भेद वाले रोगों का संख्या 3 होता है जो कि हम याद रखेंगे केपीवाई, के से कृमि, पी से प्रमेह, वाई से योनिव्यापत। उसके नेक्स्ट हम चलेंगे द्विविध भेद वाले रोग जो कि संख्या में 8 होते हैं। सबसे पहले हम अलग कर लेंगे ज्वर और व्रण को। उसके नेक्स्ट आएगा आयाम, बातरक्त, गृद्रसी। उसके नेक्स्ट हम याद रखेंगे आम, काम और स। तो आम मीन्स अलसक विसूचिका, काम कामला के लिए हमने यूज किया काम, और अर्स का भेद भी 2 है। तो ये हो गया आपका द्विविध भेद वाले रोग जो कि संख्या में 8 हुआ, जो हमने याद रखे कैसे कि ज्वर और व्रण, चरक का वैशिक है ज्वर, सुश्रुत का है व्रण। उसके नेक्स्ट आया जिसमें वात का रोल ज्यादा होता है जो कि आयाम, गृद्रसी, वात रक्त। उसके नेक्स्ट आया आम, काम और स। उसके नेक्स्ट हम याद रखेंगे चतुर्विध भेद वाले रोग जो संख्या में 10 होता है, उसको हम याद रखेंगे 4 सालाक्य माम कल सो गए थे। तो 4 सालाक्य, तो 4 सालाक्य रोग क्या है? नेत्र रोग, प्रतिशय, मुख रोग, कर्ण रोग, संख्या में 4 4 4 4 होते हैं। तो 4 सालाक्य माम, एम ए एम, एम से मद, ए से अपस्मार, एम से मूर्छा। कल, क और ल मिलके कल हुआ, क और ल से क्लव्य बना, तो क्लव्य का भेद है 4। सो गए थे, सो से सोस जो जिसका भेद है 4, गए थे, ग से ग्रहणी, जिसका भेद है 4। तो 4 सालाक्य माम कल सो गए थे। उसके नेक्स्ट आया पंचविध भेद वाले रोग जिसको हम याद रखेंगे कैसे, वो रोगों की संख्या 12 होता है और उसको याद कैसे रखेंगे, 8 यूपीएससी पीजी का स्वास्थ्य हिक्का हो गया। तो ए से अरोचक, तो अरोचक के लिए चरक ने वर्णन किए हैं कैसे, भक्तस्य अनशन स्थान। अरोचक के लिए वहां पर वर्णन हुआ है भक्तस्य अनशन स्थान। तो ए फॉर अरोचक, टी फॉर तृष्णा, यू, यू से उन्माद, पी, पी से पांडु, एस, एस से शीर, सी से छर्दी। 8 यूपीएससी पीजी का, तो पी से प्लीहा, जी से गुल्म, पीजी का से हो गया कास, श्वास हिक्का हो गया, तो ह से हो गया, ह से हृदय रोग, जिसका भेद है 5। तो 8 यूपीएससी पीजी का श्वास हिक्का हो गया। तो ये सारे, ये कितने रोग है, 12 रोग है, और ये 12 रोग का संख्या है, टाइप जो है वो 5-5 होता है। षड्विध भेद वाले रोग 2 होते हैं, एक है उदावर्त, दूसरा है अतिसार। अष्टविध भेद वाले रोगों का संख्या 4 होता है, एक है उदर रोग, दूसरा है मूत्राघात, तीसरा है क्षीर दोष, चौथा है रेत दोष। उसके नेक्स्ट हम याद रखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अष्टोदरी अध्याय।
जैसे कि क्षयज भेद किस किस का हो सकता है, क्षयज तृष्णा होता है, क्षयज काश होता है, क्षयज शोष होता है, छिन्न भेद तो छिन्न भेद ये श्वास का होता है, छिन्न कांडभग्न का भेद होता है, छिन्न आगंतुज व्रण का भेद होता है, उपसर्गज ये टाइप ऑफ तृष्णा, अवसादी अन्य धातु का सहित ये भेद होता है रेत दोष का, दुष्टार्थ संयोगज इज ए टाइप ऑफ छर्दी, द्वेषवासा इज ए टाइप ऑफ अरोचक। आचार्य चरक ने कफज तृष्णा के बारे में वर्णन नहीं किए, आचार्य सुश्रुत ने पित्तज कलगण के बारे में वर्णन नहीं किए। ये सारे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अष्टोदरी अध्याय। आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।